साधु साधु नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। हम आज आपको संयुक्त निकाय दूसरी भाग में तथागत भगवान बुद्ध धातु के बारे में बताया। वो धातु के बारे में मैं आपको अभी बता दूंगा। ये संयुक्त का नाम धातु संयुक्त बहुत सूत्र है, आप लोग सुन लीजिए, समझ में आ गया तो अच्छा है। ये सूत्र का नाम चांकम सूत्र, चक्रमन के बारे में बताया गया सूत्र। उस दिन भगवान बुद्ध राजगीर में गिज्जकूट में रहते थे। उस दिन अरहंत सारिपुत्र भंते जी बहुत सारे शिष्य भंते लोगों के साथ भगवान बुद्ध के थोड़ा दूर में चक्रमण ध्यान कर रहे थे, और अरहंत मोगल्लान भंते जी भी और भंते लोगों के साथ, बहुत भंते लोगों के साथ चक्रमण कर रहे थे। अरहंत महाकाश्यप भंते जी भी बहुत सारे भंते लोगों के साथ चक्रमण कर रहे थे, भगवान के बगल में ही सब। अरहंत अनुरुद्ध भंते जी भी बहुत सारे भंते लोगों के साथ चक्रमण कर रहे थे। अरहंत मंतानिपुत्र पुण्य भंते जी भी बहुत सारे भंते लोगों के साथ चक्रमण कर रहे थे। अरहंत उपाली भंते जी भी बहुत सारे भंते लोगों के साथ भगवान बुद्ध के बगल से चक्रमण कर रहे थे। अरहंत आनंद भंते जी भी बहुत सारे भंते लोगों के साथ चक्रमण कर रहे थे। उस समय आनंद भंते जी अरहंत नहीं थे। देवदत्त भी बहुत सारे भंते लोगों के साथ बगल में चक्रमण कर रहे थे। कौन कौन? अरहंत सारिपुत्र भंते जी और बहुत सारे भंते लोग, अरहंत महामंगलम भंते और बहुत भंते लोगों के साथ, अरहंत महाकाश्यप भंते जी, अरहंत अनुरुद्ध भंते जी और बहुत सारे भंते लोगों के साथ, अरहंत मंतानिपुत्र पुण्य भंते जी, अरहंत उपाली भंते जी, अरहंत इसके बाद आनंद भंते जी बहुत सारे भंते लोगों के साथ चक्रमण कर रहे थे। और देवदत्त भी और बहुत सारे भंते लोग चक्रमण कर रहे थे। तो तथागत भगवान बुद्ध ये दर्शन देखने के बाद भंते लोगों को बता, भिक्षु वो पुण्यवान सारिपुत्र है ना, पुण्यवान सारिपुत्र के साथ जो चक्रमण कर रहे हैं वो दिखाई देता है जी तथागत, वो सारे भिक्षु प्रज्ञावान है, बहुत प्रज्ञावान है। क्यों? सारिपुत्र बनते जी प्रज्ञावान है, उनके साथ रहने वाले लोग भी प्रज्ञावान बन जाते हैं। इसके बाद बताएं वो पुण्यवान मुगल्लान साथ रहते हैं ना भिक्षु लोग जी तथागत, वो लोग बहुत बड़ा रिद्धि बल है, रिद्धि सिद्धि है उन लोग के पास। क्यों? अरहंत महामुगलान बनते जी रिद्धि सिद्धि बल में सर्वश्रेष्ठ है ना, उनके साथ जो कोई रहता है उन लोग भी रिद्धि सिद्धि वाले हैं। क्यों? पुण्यवान महाकाश्यप भंते जी के साथ चक्रमण कर रहे हैं ना जी तथागत, वे सब धुतांगधारी हैं। धुतांगधारी मतलब अरहंत महाकाश्यप भंते सिर्फ पिंडपात में जाते हैं, ला के जो पूजा करते हैं भोजन स्वीकार नहीं करते हैं, पांचुकुल शिवर सिर्फ इस्तेमाल करता है। पांचुकुल शिवर मतलब मुर्दा का कपड़ा, हाँ मुर्दा जो ढकते रहता है ना वही चीवर, जो लाख पूजा किया तो इस्तेमाल नहीं करता है। इसके बाद पेड़ के नीचे सिर्फ रहता है, कुटिया में नहीं, वैसे ऐसा धुतांग बहुत जंगल में सिर्फ रहता है, गांव में नहीं आता है, वैसा बहुत कठिन है, कठिन चीज करता है। उनका शिष्य लोग भी वैसे धुतांगदारी हैं। वो पुण्यवान अनुरुद्ध बहुत भंते लोग के साथ रहता, भिक्षु के साथ रहता है ना जी तथागत, वो उनके साथ रहने में सारे लोग दिव्य चक्षु वाले हैं। दिव्य चक्षु मतलब पूर्ण सब कुछ देख सकता है,
ब्रह्मांड से आगे भी सब कुछ देख सकता है, सब कुछ एक क्षण में देख, एक फल में देख सकता है, वैसा सारे लोग क्यों? अनुरुद्ध अर्हंत बंती जी दिव्य चक्षु वाले हैं। इसके बाद वो मानता अनुपुत्र पुण्य है ना, पुण्यवान जी, उनके साथ जो संक्रमण करने वाले भिक्षु दिखाई देता है जीता था, वो सारे लोग धर्म कथिक हैं, प्रवचन देने में बहुत चतुर है, खूबसूरत प्रवचन देते हैं। क्यों? सुंदर से प्रवचन देने वाले लोगों में से सर्वश्रेष्ठ है मामतानी पुत्र पुण्य बनती है। वो उपाली पुण्यान उपाल भिक्षु दिखाई देता है उनके साथ, और बहुत सारे भिक्षु भी जी तथागत उनके साथ रहने वाले सारे भिक्षु लोग विनयधर है। विनयधर मतलब बहुत डिसिप्लिन है, सील एकदम परफेक्ट सुरक्षा करते हैं। वो पुण्यवान आनंद के साथ रहने वाले भिक्षु दिखाई देता है जी तथागत, वो सारे भिक्षु लोग बहुश्रुत, बहुश्रुत मतलब बहुत ज्ञान है, हर एक चीज के बारे में जानकारी है, आसमान तारा के बारे में नहीं ज्ञान के बारे में बहुत उपदेश। अर्हंत आनंद बांते जी को एक फल में 60,000 शब्द याद होता है, एक फल में 60,000 शब्द, यानी कि किताब 4-5 किताब एक ही बार याद करता है तुरंत। वो भी सिर्फ भगवान बुद्ध प्रवचन देने का देर है, सिर्फ कान के अंदर गया तो बस, फिर याद करना भी जरूरत नहीं, याद हो चुका है कंप्यूटर जैसा। इसका मतलब उनके पास कितना ज्ञान होगा, जो सुनता है सब याद है। तो उनके साथ रहने वाले सभी लोग भी वैसे ही हैं, वैसे ही बन जाते हैं। इसके बाद बताए वो देवदत्त दिखता है चक्रमण करे बहुत सारे भिक्षु के साथ जी तथागत, उनके साथ रहने वाले सारे भिक्षु पापी इच्छा है, नीच इच्छा से भरे हुए सारे भिक्षु, दूसरों से जलन करते रहता है सारे भिक्षु को। क्यों? वो ऐसा नीच गति नीच आचरण देवदत्त के पास है। इसके बाद भगवान बुद्ध बताए पुण्यवान भिक्षु ये सारे जग के लोग, ये सारे लोग मिला जुला मिलजुल के रहता है धातु स्वभाव से, उसको धातु स्वभाव कहता है। नीच विचार वाले लोग नीच विचार वाले लोगों के साथ मिल जाता है, उत्तम लोग उत्तम लोगों के साथ मिल जाता है। अतीत में भी वैसे ही है, अतीत में भी वैसे ही हुआ था। कैसे? नीच वाले लोग नीच पापी लोग के साथ मिल गया, अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ मिल गया। भविष्य में भी वैसे ही होंगे, अच्छे लोग के साथ मिल जाएंगे, नीच लोग के साथ मिल जाएंगे। वर्तमान में भी वैसे ही अभी दिखाई दे रहा है, अच्छे लोग के साथ रहेंगे, बुरे लोग बुरे लोगों के साथ रहेंगे। छंकम सूत्र, इसका तो उन्होंने तथागत ने बताया। और एक सूत्र सागात, ये सागात सूत्र श्रावस्ती में जेतन आश्रम में बताए हैं। तथागत ने बताया सारे लोग सारे प्रजा सारे सत्य सारे देवता सारे ब्रह्म सारे में सभी लोग मिलते जुलते रहता है धातु स्वभाव से। नीच विचार वाले लोग नीच विचार वाले लोगों के साथ अच्छी तरह मिलता जुलता है, अतीत में भी वैसे ही हैं, अतीत में भी धातु स्वभाव से ही सब कुछ हो गया था। नीच विचार वाले लोगों के साथ मिल गया था, भविष्य में भी वैसे ही होंगे। नीच विचार वाले लोगों के साथ मिल जाता है, वर्तमान में भी वैसे ही है। नीच विचार वाले लोगों के साथ ही मिल जुलते रह जाता है, सेट हो जाता है। ये ऐसी बात है, एक उदाहरण बताया, पेकाना के साथ मिल जाता है, पेशाब
पेशाब के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। इसके बाद थूक, थूक के साथ अच्छा से मिल जाता है। पीप, पीप के साथ अच्छा से मिल जाता है। खून, खून के साथ अच्छा से मिल जाता है। वैसे ही है, ये सारे लोग बन गया एक, सारे लोगों के पास है एक धातु स्वभाव, उसको धातु स्वभाव कहते हैं। कैसे? नीच विचारे वाले लोग, नीच विचारे वाले लोगों के साथ ही सेट होता है, कनेक्शन होता है, मिलता जुलता है, मन लगता है, साथ में रहता है, संगत करता है, वैसे ही रहता है। अतीत में वैसा ही हुआ था, भविष्य में भी वैसे ही होंगे, वर्तमान में भी वैसे ही है। इसका तो उन्होंने फिर बताया, ये सारे लोग धातु स्वभाव से बन गया। अच्छा विचार वाले लोग, अच्छा विचार वाले लोगों के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। बुरा विचार वाले लोग, बुरा नहीं, अच्छा, अच्छा विचार वाले लोग, अच्छा विचार वाले लोग साथ मिल जाता है, सेट होता है, कनेक्शन होता है, साथ में रहता है, संगत करता है, मिलता है, एकदम सब कुछ सही होता है। अच्छा विचार वाले लोगों के साथ अच्छा विचार वाले लोग, अतीत में भी वैसे हुआ था, अच्छे लोग, अच्छे लोग के साथ हो मिल गया, भविष्य में भी वैसे ही होंगे, अच्छे लोग, अच्छे लोगों के साथ मिल जाएंगे, वर्तमान में भी वैसे ही हैं, अच्छे लोग, अच्छे लोग के साथ ही मिल जाएंगे। एक उदाहरण बताया, दूध अच्छा से मिल जाता है दूध के साथ, तेल अच्छी तरह मिल जाता है तेल के साथ, घी अच्छा से मिल जाता है और घी के साथ, मद अच्छा से मिल जाता है मद के साथ। वैसे ही है, ये सारे लोग धातु स्वभाव है, अच्छे लोग, अच्छे लोगों के साथ मिल जाता है। अतीत में भी वैसे ही हूँ, भविष्य में वैसे ही होंगे, वर्तमान में भी वैसे ही है। कभी मद पेशाब के साथ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। घी पेकाना के साथ मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। दूध खून के साथ मिलेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन और एक चीज, घी दूध के साथ भी नहीं मिलता है, दोनों ठीक है लेकिन घी दूध के साथ नहीं मिलता है ना, उनमें से भी फर्क है। अच्छे लोग भी संगत करने वाले लोग होता है अलग, लेकिन उन लोग मानना अच्छा है। बुरे लोग भी वैसे ही है ना, पेकाना पेशाब साथ मिलता नहीं है। कोई कोई पापी लोग हैं लेकिन उन लोग के साथ सेट नहीं होता है, दूसरा पापी लोग के साथ सेट होता है। समझ में आ गया? ऐसे करके तथागत ने बताया, दोस्ती बनाने गया तो, साथ में संगत करने गया तो, मिल के रहने गया तो गंदगी उत्पन्न होता है मन में। आसक्त नहीं होने से ही ये गंदगी खत्म होता है। आसक्त होने जाएगा तो, दोस्ती बना के साथ में रह के मिलजुल के रहने जाएगा तो संसार में जाता है कैसे? छोटा सा लकड़ी पे एक आदमी समुद्र में गिर गया, वो आदमी छोटा लकड़ी पे चढ़ गया, बचेंगे? लकड़ी के साथ डूबेंगे। वैसे ही है, सीलवान व्यक्ति भी आलसी के कारण गलत रास्ता पे जाते हैं। इसीलिए हीन वीर्य वाले लोगों के साथ संगत नहीं करना चाहिए, चाहे वो अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, चाहे वो बहुत अच्छा हो सकता है, फिर भी अगर वो ज़्यादा मेहनत नहीं करने वाला है तो उसके साथ रहना खतरा है। मन में आता है हम भी थोड़ा आराम करेंगे, ऐसा मन में आता है। एकांतवास में रहकर जीवन को, जीवन के ऊपर प्यार हटाकर ध्यान करने वाले, निरंतर वीर करने वाले
आर्य उत्तम लोगों के साथ संगत करनी चाहिए। असाध्य सूत्र, कौन सा सूत्र? असाध्य सूत्र। उसमें भगवान बुद्ध ने बताया ये सारे लोग धातु स्वभाव से बन गया है। धातु स्वभाव से लोग मिलते जुलता है, जो जिस जो श्रद्धावान नहीं है वो लोग जिसका पास श्रद्धा नहीं उन लोग के साथ मिल जाता है। पाप करने में शर्म नहीं है वे लोग, पाप करने में शर्म नहीं उन लोग के साथ मिल जाता है। जो कोई पाप करने में कोई डर नहीं है वो जो पाप करने में डर नहीं उन लोग के साथ ही मिल जाता है। जो धर्म नहीं जानते हैं, बहुश्रुत नहीं है, धर्म की ज्ञान जानकार नहीं है उन लोग के साथ उन लोग वैसे ही लोगों के साथ मिल जाता है, मुलाकात होता है, दोस्ती बन जाता है, सेट होता है, रहने का मन करता है। धार्मिक रास्ता पे जाने में कोई लोग आलसी हैं, बहुत आलसी, आलसी लोग आलसी लोगों के साथ ही सेट होता है, अच्छी तरह कनेक्शन हो जाता है। जो लोग होश उड़ के रहता है, होश में नहीं है, बेहोश, बेहोश मतलब जो मन में आता है सोच के रहता है, जो मुंह में आता है बोलते रहता है, आलतू पालतू, वो लोगों के साथ अच्छा से मिल जाता है। अज्ञान लोग, अज्ञान मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, वैसे लोगों के साथ अज्ञान लोगों के साथ ही मिल जाता है। अतीत में भी वैसे ही हुआ था, भविष्य में भी वैसे ही होंगे, वर्तमान में भी वैसे ही होंगे। जिस जो श्रद्धावान नहीं है उन लोग साथ श्रद्धावान नहीं है जो वही सेट हो जाता है। पाप से जो शर्म नहीं है, पाप करने में लज्जा नहीं है, वो लोग उन लोग के साथ मिल जाता है। और पाप से डर नहीं है, जिसका पास पाप से डर नहीं है उन लोग के साथ मिल जाता है। जो लोग के पास बहुश्रुत नहीं है, बहुत धर्म सुना नहीं, वो लोग वैसे लोगों के साथ मिल जाता है। इसके बाद और लोग हैं, होश उड़ के रहता है, हमेशा शांत में होश में नहीं है, वैसे फालतू मान है, वैसे लोग का सेट होता है। अज्ञान लोग का सेट होता है, अतीत में वैसे ही है, भविष्य में वैसे ही होंगे, वर्तमान में भी वैसे ही है, धातु स्वभाव है। तथागत ने बताया वैसे ही है, श्रद्धावान लोग होता है। तथागत भगवान धर्म संघ के प्रति श्रद्धा है ना, श्रद्धावान लोगों के साथ मिल जाता है, सेट होता है, कनेक्शन हो, संपर्क हो जाता है। और जो लोग पाप से शर्म आता है, पाप करने में शर्म लगता है, वो लोग वैसे लोगों के साथ सेट हो जाता है। और लोग के पाप से डर आता है, पाप से डरने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। और लोग हैं बहुत धर्म सुने हैं, बहुत धर्म का जानकार है, वैसे लोग के साथ संपर्क हो जाता है। और लोग के धर्म की रास्ता पे जाने में आलसी नहीं है, वीर्यवान लोगों के साथ मिल जाता है। और लोग हमेशा होश में रहने के लिए कोशिश करता है, वो लोग के साथ मिल जाता है। और लोग हैं ज्ञानी हैं, ज्ञानी लोगों के साथ अच्छी तरह मिल जाता है। अतीत में भी वैसे हुआ था, भविष्य में भी होंगे, वर्तमान में भी
वैसे ही होता है। समझ में आ गया ये बात? और थोड़ा समझ में आ जाएगा। असाध्य मूलक, असाध्य मूलक तिक पंच सूत्र, श्रद्धा खत्म होने के बारे में तीन प्रकार से बताया गया पांच सूत्र। उसमें भगवान बुद्ध ने बताया सभी लोग धातु स्वभाव से कनेक्शन हो गया, संपर्क हो गया, मिल गया, सेट हो गया, दोस्ती बन जाता है। जो लोग श्रद्धा नहीं, शर्म नहीं, पाप से डरता नहीं और बहुत ज्ञान सुना नहीं और वीर्य नहीं, आलसी है और होश में नहीं, प्रज्ञावान नहीं, वैसे लोग वैसे लोगों के साथ मिल जाता है। अतीत में भी वैसे हुआ था, भविष्य में भी वैसे ही होंगे, वर्तमान में वैसे ही होंगे। ये है पहले जैसा बताए थे। लेकिन जिसके पास श्रद्धा है, पाप करने में शर्म लगता है, पाप करने में डर लगता है और धर्म की जानकार भी है और वीर्यवान भी है, होश में रहता है, प्रज्ञा भी है, वैसे लोग के साथ मिल जाता है। अतीत में भी वैसे ही हुआ था, वर्तमान में भी वैसे ही है, भविष्य में भी वैसे ही होंगे। असमाहित सूक्त तथागत ने बताया वैसे ही धातु धातु अच्छे सेट होता है, अतीत में भी, भविष्य में भी, वर्तमान में भी। श्रद्धावान नहीं है, पाप से डरता नहीं, पाप करने में शर्म नहीं लगता है, पाप से भय नहीं, मन भी शांत नहीं है, अज्ञान भी है, वो लोगों के साथ अच्छी तरह सेट हो जाता है, दोस्ती बन जाता है, कनेक्शन हो जाता है। लेकिन मन शांत है तो मन शांत लोगों के साथ अच्छी तरह कनेक्शन होता है, सेट हो जाता है, संपर्क हो जाता है, रह जाता है, मिल जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया पंचशील के बारे में बताया गया सूत्र। वैसे ही बताए लोग हैं, सी समझते हैं। धातु धातु स्वभाव से लोग मिला है, कैसे प्राणियों को हत्या करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। चोरी करने वाले चोर लोगों के साथ मिल जाता है। व्यभिचार करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। झूठ बोलने वाले लोग के साथ मिल जाता है। नशा करने वाले शराबी लोग मिल जाता है शराबी लोगों के साथ। और जो प्राणियों को हत्या नहीं करता है वो लोग मिल जाता है प्राणियों को दया करने वाले लोगों के साथ। जैसे में लोग समाज में है ना, चोरी नहीं करता है, गलत काम नहीं करता है, झूठ भी नहीं बोलता है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हत्या करता है, वो लोगों के साथ मिल जाता है ना। और लोग ठीक है, वेजिटेरियन है, सब कुछ पाप करते, वेजिटेरियन है, हम वेजिटेरियन, झूठ भी बोलता है, नशा भी करता है, सब कुछ करते, लेकिन
हम वेजिटेरियन, इसके साथ हम भी वेजिटेरियन, तुम भी वेजिटेरियन, हम भी वेजिटेरियन, ऐसा करके होंगे, वैसे आप समझ में आ गया ना, धातु धातु, वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी, शाकाहारी मतलब मांस मछली मीट मछली खाता नहीं, हाँ वो लोग यहाँ के वेजिटेरियन का पता है कैसा है, गुस्सा करता है, झूठ भी बोलता है, नशा करने के वो भी करता है, सारे गलत करके सिर्फ वेजिटेरियन बोलता है, हम वेजिटेरियन। इसके बाद किसान लोग, वेजिटेरियन किसान लोग हैं, किसान लोग दवा मारता है खेत में कीड़ा मारने मरने के लिए, हाँ छोटा छोटा कीड़ा मर जाने की दवा मारता है, लेकिन वेजिटेरियन मीट मछली खाता नहीं है, चूता तक लेकिन हत्या करता है, शाकाहारी। हाँ इसके बाद भगवान ने बताया और लोग हैं प्राणियों को हत्या नहीं करते हैं, वो लोग वैसे लोग के साथ मिल जाता है, कोई कोई लोग कहता है ना वेजिटेरियन बनो हत्या मत करो, ऐसे ऐसे लोग चिल्लाता है नारा लगाता है, उन लोग के साथ मिल जाता है, और लोग कहता है वो कोई भी प्राणी को मारो लेकिन गाय को मत मारो, ऐसे चिल्लाने वाले लोग हैं ना, उन लोग भी वैसे ग्रुप बन जाता है ना, हम भी आपके साथ, हम भी आपको सहायता करेंगे। और लोग हैं हत्या करते लेकिन चोरी नहीं करता है, चोरी नहीं करेगा तो चोरी नहीं करने वालों के साथ मिल जाता है, गलत व्यभिचार नहीं करेगा तो व्यभिचार नहीं करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। और लोग हैं हरिश्चंद्र जैसा सच बोलता है, सच बोलने वालों को मिल जाता है, सच बोलने हत्या भी करता है, सब कुछ गलत काम करते लेकिन सच बोलेगा तो हाँ हम भी सच बोल रहे हैं, हम सेम हैं, सच बोलने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। जो नशा नहीं करेगा तो नशा नहीं करने वालों के साथ मिल जाता है। पंच सिक्खा पद सप्त कम्म पथ सूत्र में भगवान बुद्ध ने बताया वैसे ही हत्या करने वालों के साथ सेट होता है, चोरी करने वालों के साथ, व्यभिचार करने वालों के साथ, झूठ बोलने वालों के साथ, इसके बाद चुगली करने वालों के साथ सेट हो जाता है, गाली देने वालों के साथ सेट हो जाता है, आलतू फालतू बात करने वालों के साथ सेट हो जाता है, एकदम सही है ना, तो बात झूठ है, सब कुछ एकदम सही है, ये बुद्ध ज्ञान है, हम लोग का ज्ञान नहीं, हम लोग को ये थोड़ा समझ में आता है, कोई चुगली करने वाला है तो चुगलखोर लोग गांव-गांव में औरत लोग है ना खास करके मिल जाते हैं, कहीं चुगली करता है वो भी करता है, फिर खत्म होने का पता नहीं चलते, 2-3 घंटा गया, हाँ अरे लीला हम लोग टाइम हो गया, हम लोग अभी घर जाना है, हाँ सुसीमा फिर कब मिलेंगे, हाँ उसको भी बुलाओ ना क्या क्या है तारा को भी, हाँ ठीक है हम लोग सब आएंगे, ऐसा करके सभी लोग बातचीत के घर जाता है, फिर आ जाता है मुलाकात होने के लिए, कहने अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा, क्यों चुगलखोर मिल गया, चुगलखोर को अकेले रहा बहुत आलसी लगा, अभी तुम मिला तो आलसी खत्म हो गया, दोनों को मिल के चुगली कर सकता है यार अभी आराम से, वैसे ही इसके बाद गाली देने वालों के साथ मिल जाता है, कोई कोई लोग बहुत गाली देते हैं ना उन लोग सेट हो जाते हैं गाली देने वालों के साथ, आह बहुत दिन का मिल गया ये, इसके साथ हम रहेंगे। स्कूल में बच्चे लोग भी वैसे ही है ना, कोई कोई बच्चे लोग गुंडा जैसा रह गया तो क्लास में गाली दे दे, उन लोग के साथ अच्छा लगता है रहने में, वैसे लोग के साथ रहता आता है, लड़ाई करने वाला मिल गया तो अच्छा लगता है उन लोग के साथ रहने में, आलतू फालतू बात मजाक वगैरह बात करते रहने वाले लोग मिल गया था, जीवन चाहिए नहीं उन लोग चाहिए, जान देने के लिए तैयार, क्यों बार बार हंसी खुशी बात बोलते रहता है, कभी भी समाचार लाया तो शाहरुख खान के बारे में, ऋतिक रोशन कैटरीना कैफ का कपड़ा के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बहुत सुंदर सुंदर समाचार लाते हैं, तो आलतू फालतू बात नहीं, कभी कभी नीतीश कुमार के बारे में बहुत आलतू फालतू बात बोलते रहता है ना, बड़े लोग से लेकर छोटे लोग तक, कहीं गया तो कभी नीतीश कुमार को डांटता है या अच्छा बोलता है या
नेताओं को डांटता है, देश को डांटता है, सबको डांट डांट के, वो भी सुनने वाले लोग हैं। हाँ सही बात, सही बात, आपने सही कहा, सही बात, एकदम आपका बात सही है, सही बात, सही बात, सही बात, आपका बात सही है, सही बात, सही बात, सही बात, सही सही। क्यों? धातु धातु सेट हो गया। इसके बाद एक दिन बात करना है, दूसरे दिन कनेक्शन। हम लोग के साथ वैसा लोग आके एक दिन बात किया तो फिर आएंगे जाके मार गिता है जैसा जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। बोलेगा अच्छा लगा आपकी ज्ञान, ये भी चाहे जीवन के बहुत अच्छा लगा, फिर आएंगे हर एक सप्ताह में एक बार आएंगे, ऐसे करके निकलेगा गेट से बाहर, फिर मरनी अंतिम शास्त्र उतने तक सुनाई नहीं देते, कहा गया पता नहीं, लापता। धातु धातु नहीं है ना, कोई कोई लोग आता है आश्रम में ऐसा नहीं, उन लोग शांति पसंद है, उन लोग आगे ज्ञान सुनने के बाद वाप जाने का मन नहीं करता है आश्रम से, आश्रम में रहने का मन करता है। तो भांति लोग के संगत में रहने का, शांत लोगों के साथ संगत में रहने का मन करता है, जीवन भर रहने का मन करता है। क्यों? सेट हो गया, वैसा ही है। प्राणी को हत्या नहीं करेगा तो ऐसे लोग वैसे लोग के साथ मिल जाता है, चोरी नहीं करेगा तो वैसे लोग वैसे लोग के साथ मिल जाता है। चोर लोग जो गुंडा का कमिटी है ना, गुंडे लोग जो हैं, गुंडे लोग हमेशा गुंडे लोग सब मिल जाता है ना, पाताल के लोग के जो चोरी डकैती वगैरह वगैरह करते रहते हैं, उन लोग सब मिल जाता है। चुगली नहीं करेगा तो वैसे लोग वैसे लोग सब मिल जाता है। गाल प्यार से बात करने वाले लोग किसके साथ मिल जाता है? प्यार से बात करने वाले लोग के साथ। आलतू फालतू वगैरह बात नहीं करने वाले लोग, आलतू फालतू बात नहीं करने वाले लोग सब मिल जाता है। इस अभी बताया सत्य काम पाथर, इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया दस काम पाथर सूत्र। मेरे सात कारण के बारे में बताया, अभी दस कारण के बारे में। वैसे ही भगवान बुद्ध ने बताया धातु धातु रूप से सारे लोग मिल जाता है, हत्या करने वाले लोग साथ मिल जाता है, चोरी करने वाले लोग साथ मिल जाता है, व्यभिचार करने वाले लोग साथ मिल जाता है, झूठ बोलने वाले लोग साथ मिल जाता है, चुगली करने वालों के साथ मिल जाता है, गाली कठोर शब्द बोलने वालों को ऐसे लोग साथ मिल जाता है, दूसरों का संपत्ति पे लोभ करने वाले लोग, लोभी के साथ मिल जाता है। जैसे में अगर कोई आदमी मिल गया तो हम जमीन कब्जा करने के लिए सब तैयार किया, हाँ सही नहीं, बढ़िया यार इससे अच्छा है तुम तो आगे, हमको भी चाहता था, हमको भी जमीन का कब्जा करने के लिए, उसका जमीन हम लेने वाले अभी, या तो फिर ऐसा लोभी आदमी साथ सेट हो जाता है, एकदम महान बात जैसे बोलना चाहिए, किसी को नहीं देने से ही आगे बढ़ता है लोग, वो बोलता है वो सेट हो गया। सही बात, सही कहा आपने, सही कहा जी, सही कहा। लोग हम लोग का मान, लोग का शब्द नहीं लेता है, लोग का शब्द गंदा माना जाता है ना, लोग का शब्द नहीं लेता है, उन लोग बोलते हैं ना हम लोग अगर एक रुपया भी खर्च करेगा तो खो चला गया, आएगा नहीं, जमा करना चाहिए, मूर्ख लोग देता है ऐसे करके, लोभी के साथ सेट हो जाता है। गुस्सा करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है, बहुत गुस्सा क्रोध में रहने वाले हैं तो बहुत अच्छा, तुम ऐसा नहीं करना चाहते, एक थप्पड़ मारना चाहता उस समय तुम उसको, तब उसको समझ में आता, छोड़ मत। एक कोई गाली कोई किसी का लड़ाई करने वाले तो क्यों तुम ऐसा मारा, तुम्हारा गलती, मूर्ख है तुम, मारना है तो खून मारने तक मारना चाहिए था, उसका ठांगी तोड़ना चाहिए था, तुम क्यों नहीं तोड़ा, तुम्हारा गलती करके उसके साथ वैसे लोग सेट हो जाता है। कोई आपको बताया तो हमको एक लड़का मार दिया, क्यों तुम छोड़ दिया, धड़पो के तुम क्यों नहीं मारा, मारो तुम भी, क्यों सेट हो गया दोनों।
इसका तो अभ्यास ही बात, अगला बार हम ऐसे सीखे करो, छोड़ो नहीं, छोड़ो नहीं। मिथ्या दृष्टि वाले लोग, मिथ्या दृष्टि वाले लोगों के साथ सेट हो जाता है। कोई मिथ्या पूजा हर जगह भरा हुआ है, वैसा पूजा आ गया तो हाँ सही में बहुत अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, हम भी आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं, सभी लोग उसमें सेट हो गया। इसके बाद कोई यज्ञ कोई पूजा है तो सारे लोग उसमें सेट हो जाता है। और लोग कोई मिथ्या कुछ भी रहेगा तो उसमें सेट हो जाता है। वैसे ही है भगवान बुद्ध ने बताया, धातु धातु रूप से सारे लोग कनेक्शन हो जाता है। प्राणियों को दया करने वाले लोग, प्राणियों को दया करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। चोरी नहीं करने वाले लोग, चोरी नहीं करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। व्यभिचार नहीं करने वाले लोग, व्यभिचार नहीं करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। सत्य बोलने वाले लोग, सत्य बोलो बोलने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। चुगली नहीं करने वाले लोग, चुगली नहीं करने वाले लोगों के साथ मिल जाता है। प्रेम भाव से मीठा बात करने वाले लोग, वैसे लोगों के साथ मिल जाता है। इसके बाद भगवान बुद्ध ने बताया, जो लोभी नहीं दानी है, देता है दूसरों को, दूसरों का संपत्ति पे लालची नहीं बनता है, वैसे लोग दान देने वाले लोगों के साथ मिल जाता है ना। कभी सुन लिया दान, हम दान दे रहे हैं, दान दे रहे बहुत अच्छा, हम भी आपकी दान के साथ ज्वाइन करेंगे, बहुत अच्छा, ऐसे करके उसमें सपोर्ट करता है। मैत्री करने वाले लोग, मैत्री करने वाले लोग के साथ मिल जाता है। कोई सोचिए लड़ाई करने वाले दोस्त मिल गया, बार बार लड़ाई करता है, एक बार उसको समझाया फिर आते उसके साथ रहने का मन नहीं करते, बार बार गाली देते, अच्छा नहीं लगता है। और सम्मादिट्ठी वाले लोग, सम्मादिट्ठी वाले लोगों के साथ मिल जाता है। सम्मादिट्ठी मतलब दुनिया का आर्य सत्य, दुनिया का सत्य देखने के लिए जो रास्ता भगवान बुद्ध ने दिखाया वो सम्मादिट्ठी रास्ता है। वो रास्ता पे सभी लोग को आ सकता है, नहीं आ सकता, कुछ लोग को समझ में आता है, वैसे लोग, वैसे लोग के साथ सेट हो जाता है। वैसे फिर अष्टांगिक सूत्र भी है, सम्मादिट्ठि सम्मा संकल्प का उल्टा, मिथ्यादिट्ठि मिथ्यादिट्ठि के साथ मिल जाता है। मिथ्या संकल्प लोग, मिथ्या संकल्प लोग के साथ मिल जाता है। मिथ्या वाचा यानी कि जो चुगली गाली फालतू बात बोलने वाले लोग मिथ्या वाचा के साथ मिल जाता है। मिथ्या काम करने वाले लोग, मिथ्या काम क्या है, चोरी व्यभिचार प्राणी हत्या, उन लोग के साथ मिल जाता है। गलत ढंग से जीवन बिताने वाले लोग, मिथ्या आजीव लोग, जो डांडी मारता है या गलत ढंग से पैसा कमाने वाले लोग, वैसे लोग के साथ मिल जाता है। इसके बाद गलत मेहनत करने वाले लोग, मिथ्या व्यायाम, गलत मेहनत क्या है, बहुत प्रयास करता है, ऐसे नमन झूठे में सोते सोते नमन करते करते आशीर्वाद लेने के, लेकिन गलत मेहनत है ना। और लोग मेहनत करता है, हाथ में कांटा लगा था, इधर कांटा लगा, लाटक के रहता है, पूजा गलत प्रयास, वो लोग के साथ मिल जाता है। मिथ्या समाधि वाले लोग, मिथ्या समाधि के साथ मिल जाता है। कहीं ध्यान सिखाया तो बताएगा, उधर ध्यान ला के देता है आपका मन में, हाँ हम भी जा रहे हैं, ऐसे करके उन लोग के साथ मिल जाता है। वैसे ही है सम्मादिट्ठी वाले लोग के साथ मिल जाता है। सम्मा संकल्प वाले लोग, सम्यक संकल्प लोग के साथ मिल जाता है। सम्यक वाणी लोग साथ मिल जाता है। सम्यक काम करने वाले, सम्यक काम मतलब क्या है, हत्या चोरी व्यभिचार नहीं, उसको सम्यक काम।
सही ढंग से जीवन बिताने वाले लोग मिच्छा जीवन, सही ढंग से जीवन बिताने वाले लोग, सही ढंग से जीवन बिताने वालों सब मिल जाता है, होश में रहने वालों होश में रहने वालों से मिल जाता है, सम्यक समाधि में रहने वाले लोग सम्मा समाधि के रहने वालों के साथ मिल जाता है। अभी समझ में आ गया ना आप लोग को, ये अच्छे समझ में आ गया है क्या धातु धातु कनेक्शन के बारे में? हम लोग कितनों भी लोगों के पास जाकर समझाया था, अभी उनमें से हम लोग के साथ सेट होने वालों को मिल जाएगा, बाकी लोग मरने दाम तक नहीं मिलेगा। उन लोग को ज़्यादा समझाने जाएगा तो दुश्मन बन जाएगा, पापी लोग। आप लोग समझ लीजिए यही ये धातु धातु स्वभाव।